खबर शामिल करते हैं। जफरवार और जविंडा के दरमियान नाला डी खिजली बरस से पानी का बहाव मामूल के मुताबिक गुजर रहा है। यहाँ के लोग भी अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजार रहे हैं। किसी किस्म का सैलाब का कोई ख़तरा नहीं। नाला डेक से रेत निकालने का काम भी जारी सारी है। मजीद जानते हैं अपने डिवीज़नल ब्यूरो चीफ गुजरांवाला इस्मतुल्ला से। जी इस्मतुल्ला, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चविंडा और जफरवाल के दरमियान नाला डेक पर, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये नाला डेक का जो है वो पुल है, और इसके नीचे से जो पानी गुजर रहा है वो मामूल के मुताबिक गुजर रहा है, और यहाँ पर किसी किस्म का कोई सैलाबी रेला नहीं गुजर रहा, और यहाँ पर लोग मामूल के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ शफीक साहब यहाँ के मुकामी जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है नाला डेक की। अस्सलाम वालेकुम जी। नाला डेक बिल्कुल ठीक है, कोई किसी किस्म की कोई सलाब की कोई परेशानी नहीं है। ट्रालियां भी भरी जाती हैं, डैम पर भरे जाते हैं, काम चलता पाया, कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं, सलाब का कोई चांस नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ के मुकामी लोगों से हमने बात की तो उनका कहना था कि किसी किस्म का कोई सलाबी रेला या किसी किस्म का कोई यहाँ पर ख़तरा नहीं है। लोग मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इस नाला डेक से जो है वो डैम्पर और ट्रैक्टर और ट्रॉली भी जो हैं वो रेत निकालने में मसरूफ अमल है। एक्सीवेटर लगी हुई है, आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे। लोग जो है वो अपनी मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यहाँ पर मैं इंतज़ामिया को सोल्यूशन देता चलूं कि अगर ये जो मूसलाधार बारिशों का पानी जो खेतों से गुजरता हुआ उन पुलियों के आगे खड़ा हो जाता है, जो पुलियाँ बंद कर दी जाती हैं मुकामी लोगों की तरफ से, अगर इनका पेपर वर्क किया जाए और प्रैक्टिकल विज़िट किया जाए तो ये पुलियाँ अगर बारिशों से पहले खुलवा दी जाएं तो किसी किस्म का हादसा पेश नहीं आ सकता, ना ही लोगों को किसी किस्म की परेशानी हो सकती है। हम आपको नाला डेक से अपडेट कर रहे थे, कैमरामैन मीर अली के साथ असमतुल्लाबाद, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, सिटी 5 न्यूज़, चविंडा।